हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू दिस ई क्लास ऑन द टॉपिक मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस. सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्नड अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. सो टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सो हियर यू कैन सी the figure. So now we will imagine a metal ion at origin which happens to be the center of a cube. ठीक है ना. तो जिस तरह से हमने octahedral complexes में discuss किया था कि हम एक घनीय आकृति का सहारा लेंगे जिसका कि केंद्र अक्षों का मूल बिंदु है. ठीक है ना. और इस बिंदु पर धातु आयन उपस्थित है. तो इन एन आइसोलेटेड आयन द एनर्जी ऑफ ऑल द 5d ऑर्बिटल्स विल बी इक्वल, दैट यू नो. ओके, बट व्हेन लिगेंड्स दे कम फ्रॉम इनफाइनाइटी टू फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, दिस डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल्स डिसअपीयर्स. ठीक है ना. तो जैसे ही लिगेंड जो हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेटल आयन के नज़दीक आएंगे, तो ये जो डी ऑर्बिटल की जो डिजेनरेसी है दैट विल डिसअपियर. ठीक है ना. तो स्प्लिटिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल्स की. तो हियर यू कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट नन ऑफ द 5d ऑर्बिटल्स दे लाई इन द डायरेक्शंस ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड्स. ठीक है ना. तो देखो, आपको पता है कि एक घन में 6 फलक होते हैं, है ना. प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है, चार जिसके 4 कोने होते हैं. तो घन बनाते हुए ये फलक आपस में इस प्रकार मिलते हैं कि प्रत्येक कोना जो है 3 फलकों का मिलन बिंदु होता है. यू कैन सी, है ना. तो एक घन में कितने कोने हुए? 8 कोने हुए. ओके, जिसमें प्रत्येक फलक के ट्रांस कोनों को मिलाने पे 4 कोनों और 4 नए फलकों से बनी आकृति क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी, जिसके सेंटर पे जिसका सेंटर जो है वो इस क्यूब का सेंटर पर ही पड़ता है. तो अब इस टेट्राहेड्रॉन के चारों कोनों पे एक एक लिगेंड लिखने पे आपको एक क्रिस्टल टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड का निर्माण यू विल फाइंड इट. ठीक है ना. तो जब आपको पता है कि एक आइसोलेटेड मेटल आयन है, उसके 5 डी ऑर्बिटल जो हैं उनकी ऊर्जा समान होती है, लेकिन जैसे ही इनफाइनाइट से लिगेंड के द्वारा एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की प्रक्रिया होती है, तो यह डीजेनरेसी समाप्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. ठीक है ना. और फिगर 2.9 ए से ये एक मिसप्रिंट है. दिस इज़ नॉट फिगर 2.8 ए, यह है फिगर 2.9 ए. तो इस फिगर ए से स्पष्ट है कि कोई भी कक्षक जो है वो लिगेंड्स के विचलन की दिशा में नहीं पड़ता. ठीक है ना. तो However, DXY, YZ and DXZ orbitals, they are nearer to the ligands than the DX square, Y square orbitals. ठीक है. तो इस पॉइंट को मोर क्लियर बनाने के लिए लेट्स कंसिडर फिगर 2.9 का बी एंड सी, जिसमें कि DX square, Y square and DXY orbital of the metal ions, they are shown in the tetrahedral field. Okay. तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस फिगर बी दैट द लोब्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फेसेस, जबकि लिगेंड्स दे ऑक्यूपाई ट्रांसकॉर्नर्स. मैं आपको बता ही चुकी हूँ उससे पहले. दस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल विल बी वेरी फार अवे फ्रॉम द लिगेंड्स. ओके, द लोब्स ऑफ डी एक्स स्क्वायर डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एजेस. ठीक है. ये हियर यू कैन सी नाउ फ्रॉम फिगर 2.9 सी यू हैव सीन हियर. ओके, द कॉन्सिक्वेंटली इन दीज कॉम्प्लेक्सेस द ट्रिपली डीजनरेट सेट ऑफ डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी एक्स जेड दे आर विच आर कलेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाई दी टी टू जी. है ना. तो
दिस ट्रिपली डीजनरेट सेट ऑफ एक्स वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड विल बी मोर अनस्टेबल देन द ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स दैट इज डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर. तो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ई जी एंड द टी टू जी सेट ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय हियर डेल्टा टी. ओके, टी फॉर टेट्राहेड्रल ना, विच हैज बीन शोन हियर इन द फिगर. नाउ तो क्लियरली स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज अपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, राइट. तो टू प्रिजर्व द सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल ईच ई जी सेट ऑफ ऑर्बिटल शुड बी स्टेबलाइज बाय कितना 0.6 डेल्टा टी एंड ईच टी टू जी ऑर्बिटल शुड बी डीस्टेबलाइज बाय 0.4 डेल्टा टी. तो एज इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस सी एफ एस सी दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी corresponding to different configuration can be determined by this following relation. ठीक है, ये किसके लिए वैल्यू ऑफ सी एफ एस सी है 0.6 डेल्टा टी एंड ई जी यानी कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन ई जी सेट माइनस 0.4 एन इन टी टू. ठीक है ना, तो एन जो है एन ई एंड एन टी टू दे आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ई जी एंड टी टू जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स. तो फाइनली वी गेट इफ द कैटायन एंड द कैटायन एनायन डिस्टेंसेज आर द सेम इन बोथ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इट कैन बी शोन दैट डेल्टा टी इज फाउंड टू बी 4/n∆O. ठीक है ना, तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया हियर फ्रॉम फिगर ए कि एक्स डी कोई भी जो आपका ऑक्टाहेड्रल सॉरी टेट्राहेड्रल फील्ड में कोई भी कक्षक जो है लिगेंड के अप्रोचिंग की डायरेक्शन में नहीं पड़ेगा ना, फिर भी डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल जो हैं वह दूसरे ऑर्बिटल्स है ना जो ई जी है ई जी सेट टी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर की अपेक्षा लिगेंडों के अधिक निकट होते हैं. तो हम अगर यहाँ पे फिगर सी को कंसिडर करें जिसमें कि मेटल आयन के डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई कक्षकों को हमने टेट्राहेड्रल फील्ड में दिखाया है, तो हियर यू कैन सी फ्रॉम द फिगर बी दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल की जो लोब्स हैं वह क्यूब के जो फेसेस के केंद्रों की ओर ओरिएंटेड हैं, जबकि लिगेंड कहाँ है वह क्यूब के कोनों पे स्थित है. तो एक्स वाई यानी कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल की जो लोब्स हैं वो दोनों कोनों के जो एज के मध्य की ओर पड़ती है हाँ, पर कोई भी पांचों ऑर्बिटल्स में से कोई भी जो ऑर्बिटल है उसके लोब जो हैं लिगेंड की दिशा में नहीं पड़ रहे हैं ना. अब अपने हमने डिस्कस कर दिया कि डी एक्स वाई वाई जेड एंड डी एक्स जेड ऑर्बिटल जो हैं अन्य दो ऑर्बिटल ई जी सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं उसकी अपेक्षा लिगेंड के अधिक निकट पाए जाते हैं. तो क्या होगा कि लिगेंडों के द्वारा डी एक्स वाई डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड जो हैं अधिक बल से जो है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो है अपेक्षाकृत कम बल से प्रतिकर्षित होंगे. तो क्या होगा कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में फर्स्ट थ्री ऑर्बिटल जो हैं वह अधिक ऊर्जा के डिजनरेटेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो हैं और लोअर ऊर्जा के डिजनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे. तो ई जी और टी टू जी कक्षकों के ऊर्जा अंतर को हमने डेल्टा टी से हम प्रदर्शित करते हैं और व्हाट वी फाइंड इज दैट कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अपेक्षा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें ऑर्बिटल्स का जो स्थायित्व का जो क्रम है वह अपोजिट होता है ना. तो ग्रेविटी रूल के अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक ईजी कक्षक जो है वह 0.6 डेल्टा टी से ऊर्जा का एमिशन करेगा उत्सर्जन करेगा और प्रत्येक टी टू जी कक्षक जो है वह 0.4 डेल्टा टी यानी कि 4 डी क्यू ऊर्जा का अवशोषण करेगा.
या तो इस प्रकार से जो है ऑक्टाहेड्रल व्यवस्था होने पे तो एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर जो हायर एनर्जी लेवल के हो जाते हैं, है ना, और जो टी टू जी सेट है वह लोअर एनर्जी लेवल के हो जाता है। लेकिन जब ज्योमेट्री जब टेट्राहेड्रल है तो यह स्प्लिटिंग उल्टी हो जाती है, यानी कि जो टी टू जी सेट है वह हायर एनर्जी लेवल के हो जाएंगे और जो टी ई जी सेट ऑफ ऑर्बिटल है यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल जो है वह लोअर एनर्जी लेवल के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो है धातु कक्षकों के सीधे ही लिगेंड की ओर नहीं पड़ने और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अपेक्षा लिगेंड की संख्या कम भी होती है यहाँ पे, उसके कारण डेल्टा टी का मान जो है डेल्टा ओ की तुलना में अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है ना, तो हियर यू कैन सी दैट डेल्टा टी इज 4/9 डेल्टा ओ, और डेल्टा ओ की तुलना में डेल्टा टी का मान कम होने का एक कारण और भी है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो कक्षक हैं वो हम कह सकते हैं कि 6 लिगेंड से के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में केवल 4 लिगेंड होते हैं। ओके तो द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन टेट्राहेड्रल फील्ड हैज़ बीन शोन हियर इन द कमिंग टेबल। हियर यू कैन सी तो यहाँ पे D1 से लेके D10 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए EG सेट और T2G सेट में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी डेल्टा T दिखाई गई है एंड यू हैव नेट द वैल्यूज ऑफ नेट CFSE ऑल्सो। नाउ वी विल डिस्कस दी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ दी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ द मेटल आयन, है ना। तो हियर नाउ वी कम टू दिस पार्ट, तो नाउ वी कम टू D1 एंड D2 कॉन्फिग्रेशन। ओके तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस देर आर टू डिजेनरेट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके तो मेटल आयन्स विद D1 एंड D2 कॉन्फिग्रेशन विल फॉर्म पैरा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस इन विच द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, ये आप फिगर में यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है ना, तो D1 के लिए तो EG1 T2G0 और D2 के लिए जो है EG2 एंड T2G0। ओके तो D1 और D2 विन्यास वाले मेटल आयन और उनसे बने हुए कॉम्प्लेक्सेस का जो पैरामैग्नेटिज्म है उस वो समान होगा। ओके नाउ वी कम टू द D3 D4 D5 एंड D6 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो थियोरेटिकली मेटल्स हैविंग दीज कॉन्फिग्रेशंस दे शुड बी एबल टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है ना, मतलब इन चारों विन्यासों के लिए जो है थियोरेटिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण संभव है। बट ऑल कॉम्प्लेक्सेस एक्सेप्ट D4 स्ट्रॉन्ग फील्ड शुड बी पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस स्लाइड में यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर दीज आर द स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस फॉर दी D3 D4 D5 एंड D6 कॉन्फ़िगरेशन। ओके तो द फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन, राइट। ठीक है ना, तो D3 के लिए क्या हो गया AG T2G1 एंड EG3 T2G0। इसी प्रकार D4 के लिए EG2 T2G2 एंड EG4 T2G0 एंड D5 के लिए EG3 T2G3 एंड EG4 T2G1 और D6 के लिए
ई जी थ्री टी टू जी थ्री एंड ई जी फोर टी टू जी फोर, ओके, फ्रॉम वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड रिस्पेक्टिवली. ठीक है, नाउ ऑल्दो बोथ द स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दे आर थियोरेटिकली प्रिडिक्टेड, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस रिक्वायर्स पाई टू बी स्मॉलर देन डेल्टा टी, राइट? बट द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा टी इज सो स्मॉल इवन फॉर द लीगेंस केपेबल ऑफ क्रिएटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल फील्ड दैट लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव नॉट बीन आइसोलेटेड सो फार. Thus, for tetrahedral geometry, only spin-free complexes are known in which the number of unpaired electrons is the same as in the case of metal ion. ठीक है ना, तो आपको पता है कि क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के द्वारा जैसे हमने tetrahedral complexes को डिस्कस किया था, tetrahedral complexes के लिए भी वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड के निर्माण का हम अनुमान लगा सकते हैं, है ना, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा. लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस तभी बनते हैं जब डेल्टा टी का मान पाई की तुलना में अधिक हो, है ना. डेल्टा टी इज इक्वल टू ग्रेटर देन पाई, पेयरिंग एनर्जी. लेकिन डेल्टा टी का जो मान है वह डेल्टा ओ के मान का लगभग आधा होता है, इतना कम होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट टेट्राहेड्रल फील्ड वाले कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी डेल्टा टी का मान जो है पाई से कम ही रहेगा. परिणाम स्वरूप जो है मेटल आयन जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण ही नहीं करते और केवल वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं, दैट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस. तो इनमें उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे जितने कि कॉम्प्लेक्स बनाने के पूर्व जो है मेटल आयन में पाए जाते हैं. सो दिस वाज द केस फॉर दिस डी सेट ऑफ डी थ्री डी फोर डी फाइव एंड डी सिक्स कॉन्फिग्रेशन. नाउ वी कम टू द डी सेवन डी एट डी नाइन एंड डी टेन कॉन्फिग्रेशन, राइट? ओनली वन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज पॉसिबल फॉर दिस कॉन्फिग्रेशन ना, जैसा कि आप देख सकते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं दे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ सच मेटल आयंस विल बी पैरामैग्नेटिक हैविंग द सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज इन द केस ऑफ मेटल आयन. आपने टेबल को भी देखा था कि तो जो डी सेवन मेटल आयन है एंड इट्स कॉम्प्लेक्सेस दे हैव थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द एडेड इलेक्ट्रॉन पेयर द स्पिन and hence the number of unpaired electron for d8 configuration is reduced to 2 and for d9 configuration it is reduced to 1 and as you know expected bhi hai ki d10 configuration will be diamagnetic. Thus it is quite clear that the only d0 d4 and d10 metal complexes will be diamagnetic. Theek hai na, to जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की जैसे जो डी सेवन कॉन्फ़िगरेशन है और उसके कॉम्प्लेक्स हैं उसमें तो अनपेड तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी क्या होगा, टी टू जी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का पेयरिंग होती जाएगी तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो की जो संख्या है वह घटती जाएगी. और इसी प्रकार डी एट कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो और डी नाइन के लिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और डी टेन कॉन्फ़िगरेशन वाले मेटल आयंस तो डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस का निर्माण करेंगे, दैट यू नो. तो स्पष्ट है कि डी सेवन और स्ट्रॉन्ग फील्ड डी फोर और डी टेन विन्यास वाले जो कॉम्प्लेक्स आयन हैं वो ही डायमैग्नेटिक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे, बाकी सभी मेटल आयन जो हैं वो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे. ओके, सो this was all about the magnetic properties of tetrahedral complexes. So in the next lecture we will discuss the splitting of d orbitals in square planar complexes. So see you there, goodbye.